सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ शारदा के श्री चरणों में नमन करता हूँ और सामने बैठे मेरे सभी सुधी श्रोताओं को मेरा विशेष प्रणाम और मंचा से इन कवियों को मैं कवियों की भाषा में प्रणाम करता हूँ। सुनिए कि मंच पर बड़े बड़े कवि बंधु बैठे सब उनकी भी बड़ी बड़ी पूछ को प्रणाम कि मंच पर बड़े बड़े कवि बंधु बैठे सब उनकी भी बड़ी बड़ी पूछ को प्रणाम है और देश और विदेश में ये घूमते ही सारे जैसे योगी बाबा का इन्हें भी खुला फरमान है और रात रात भर जागते ही उल्लुओं की तरह मंच स्टेशन ट्रेन में कई धाम है। और एक दिन दादा मेरे से कह रहे थे आ गया लुगाई का बुलाव तो दादा अगली पंक्ति आपके लिए स्वागत के मंच पर बड़े बड़े कवि बंधु बैठे सब उनको के मंच पर बड़े बड़े कवि बंधु बैठे सब उनकी भी बड़ी बड़ी पूछ को प्रणाम है और देश और विदेश में ये घूमते ही सारे जैसे योगी बाबा का इन्हें भी खुला फरमान है और रात रात भर जागते ही उल्लुओं की तरह मंच स्टेशन ट्रेन इनका ही दाम है और मुझको अकेला न समझ न गुलाम बंधु यहाँ बैठा हर कवि बीवी का गुलाम बढ़िया बढ़िया बाबा बीवी का गुलाम। अगर देखो किसी की पंक्ति आपको अच्छी लग जाए तो तालियां थोड़ी ढंग से बजाया करो मालूम पड़े कि हाँ श्रोता बैठे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे सामने गमले में रखवाती है और देखिए मैं हाथरस से आया हूं। इस अपने पूरे भारत देश में केवल दो ही शहर ऐसे हैं जिनके पीछे रस जुड़ा हुआ है, एक तो हाथरस दूसरा बनारस। क्या बात है। और चार पंक्तियां देता हूं। यहां प्राचीन युवा भी कुछ बैठे हुए हैं। स्वागत। मैं कभी किसी को बुड्ढा नहीं कहता। प्राचीन युवाओं के नाम चार पंक्तियां देता हूं कि इन गर्म आंखों में भैया माइक सीधा करो सही सही चला यार कम से कम कवित्री आए तो तुम्हारा माइक सीटी बजावे तो अच्छा लगता है। यानी इसके लिए काहे को सीटी बजा गई। और देखिए आपको एक विशेष बात और बता दूं कि ऐसा है कि अगर आपका माइक सीटी बजाएगा तो इसका मायका खराब हो जाएगा, इसलिए कम से कम ध्यान रखें। आपको एक बात और बता दूं, दादा ने मुझे पहले नंबर पर बुलाया है यानी इस कवि सम्मेलन की नींव रखने के लिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम घर बनाते हैं तो नींव को मजबूत रखा जाता है, इसलिए मुझे कमजोर न समझें। एक नंबर का कवि हूं इसलिए एक नंबर पर तालियां बजाएं एक नंबर के कवि के लिए। सुनिए चार पंक्तियां प्राचीन युवाओं के नाम कि इन गर्म आंखों में शीतलता का पानी भर दूंगा, इन गर्म आंखों में शीतलता का पानी भर दूंगा और मुझे दांत दे दो तो बूढ़ों में जवानी भर दूंगा। आपके सामने एक पौआ हूं, माना कि आपके सामने एक पौआ हूं मैं, लेकिन आज तुम्हें पूरी बोतल का मजा दूंगा, लेकिन आज तुम्हें पूरी बोतल का मजा दूंगा। थोड़ी जोरदार बजाया करो। मैं बार बार कहता हूं कवि को ताली और नेता को समय से देते रहो तो काम अच्छा करते रहते हैं। और यहां कोई राजनीति वाले बैठे हो तो ये राजनीति की दुशाला दादा उतार देना क्योंकि मुझे लौट के घर भी जाना है। नहीं क्या हुआ यहां से निकला। और देखिए सब लोग रखते हैं अपने पास, अपनी पहुंचने के बाद फिर अपनी जेब में, इसे कहते हैं मोदी जी का स्वच्छता अभियान। चार पंक्तियां देता हूं कि खुद ही सवालों के जवाब जिन्हें पता नहीं उनके भी टेढ़े से सवाल देख लीजिए, कि खुद ही सवालों के जवाब जिन्हें पता नहीं उनके भी टेढ़े से सवाल देख लीजिए
और ना को पहुंचने का यार जिनको सलीका नहीं उनके भी हाथों में रुमाल देख लीजिए। कि उनके भी हाथों में रुमाल देख लीजिए और सबको हंसाऊंगा मैं व्यंग बाण छोड़ छोड़ थोड़ी देर मेरा भी धमाल देख लीजिए और एक बार जोरदार ताली ठोको यार सब फिर मेरे काव्य का कमाल देख लीजिए फिर मेरे काव्य का कमाल देख लीजिए। देखिए शिवम ने अभी मुझे माला पहनाई। अभी कुछ दिन पहले मेरा भाई घर गया शिवम मेरे और मैंने शिवम से कहा कि भाई बहुत दिन हो गए मैं अपनी डीपी बदलना चाहता हूं अब डीपी बदल दूं। तो कोई बात नहीं शिवम बैठा सुन रहा था मेरी धर्म पत्नी मेरे पास बैठी थी। उसके बाद मेरे से तो न पूछा शिवम से पूछा कि शिवम भैया ये बताओ ये डीपी क्या होता है। बेचारी अंगूठा टेक सेल्फ स्टार्ट जिसे कहते हैं किक वाली नहीं है वो बोली ये डीपी क्या होता है। शिवम ने भी एकदम हास्य के मूड में कह दिया कि भाभी जी आपको नहीं पता डीपी का मतलब होता है धर्म पत्नी। भाई साहब तब से मेरे पीछे घूम रही है मैं बारी बार बोल रही बोले कि आप तुझे डीपी चेंज कर रहे हो। देखिए चार पंक्तियां और देता हूं आपके सामने। पिछले इलेक्शन पर गठबंधन हुआ था और किसका किससे हुआ था स्वयं देख लेना। मैं किसी राजनीति का गुलाम नहीं हूं मेरी जो कलम लिखती है देखती है वो लिखती है। अनायास किसी का समर्थन हो जाए या अनायास किसी का विरोध हो जाए कलम तो सत्य ही लिखती है। तो चार पंक्तियां देता हूं कि एक दिन अखिलेश ने ये नेताओं से कहा आप भी इलेक्शन की दौड़ दौड़ लीजिए और चचा से भोपाल से बात पे नाराजी हुए अखिलेश ने कहा कि पार्टी जोड़ लीजिए। बढ़िया। और तभी मायावती से यू जाके बोले अखिलेश लाया हूं मैं गिफ्ट बुआ गुस्सा तोड़ लीजिए और पिताजी ने गेस्ट हाउस में जो उतारी थी कभी आप लो बुआ जी पुनः सॉल ओढ़ लीजिए आप लो बुआ जी पुनः सॉल ओढ़ लीजिए। देखो एक पार्टी की बात की है तो देश की सबसे बड़ी पार्टी उसके लिए भी चार पंक्तियां देता हूं स्वागत। और अगर मैंने उसमें कुछ सच्चाई कह दी हो तो एक बार जोरदार तालियां उठे पूरे सदन में कि राहुल ने संसद में आंख मारी और फिर मोदी जी को जाकर के गले से लगा लिया। अगर घटना सच्ची हो तो तालियां अभी से प्रारंभ कर दो। कि राहुल ने संसद में आंख मारी और फिर मोदी जी को जाकर के गले से लगा लिया और कांग्रेसियों को बात अच्छी न लगी ये मित्र खींच ले भैया जितने खींच पाए तू। स्वागत। कि राहुल ने संसद में आंख मारी और फिर मोदी जी को जाकर के गले से लगा लिया और कांग्रेसियों को बात अच्छी न लगी ये मित्र सोनिया के पास जाके मुंह को फुला लिया और तभी एक भाजपाई मित्र मुझसे मिले जी बोले पंडा जी ये तुमने क्या करवा लिया और मैंने कहा राहुल ने होशियारी को दिखा के 377 का फायदा उठा लिया। बढ़िया है बाबा बाबा बाबा। देखिए मैंने ये राजनीति की बात की और एक बार की बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। शिवम मेरे से मिला शिवम शुक्ला मेरा बहुत प्यारा भाई है छोटा भाई ये मेरे से मिला और मेरे से बोला कि भैया मेरे को जुगाड़ करवाओ। मैं तो भाई तुझे किस जुगाड़ की जरूरत है तुझे क्या चाहिए कि यार तुम खुद समझदार हो रात को कार्यक्रम में रहता हूं हारा थका घर जाता हूं कपड़े भी धोता हूं खाना भी बनाना पड़ता है
मैं चाहते क्या हो, शादी करवा दूं कि हाँ यार ऐसा ही करवा दो कुछ अगर हो जाए तो। मैंने कहा देख भाई आज के जमाने में दो चीज सक्सेस है, एक तो दादागिरी और दूसरी बाबागिरी। ये बोला मैं साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ तो दादागिरी मेरे को सुनवाई नहीं देती, तो तुम चाहते क्या हो कि समझ लीजिए। मैंने आदरणीय दादा लालवती जी को बता दिया स्वागत, मैं जाओ दादा से मिलो। देखो आज जो इस सदन में जो शेष बच रही है महिलाएं, जो विशेष भी हैं उनको मैं विशेष प्रणाम करता हूं, जो आज हम लोगों को सुनने आई हैं यहाँ पर सुन रही हैं, भगवान कसम झूठ नहीं बोलेंगे हम, सुनती किसी की भी नहीं है। अच्छी बात है हम कवियों को सुन रही हैं। तो शिवम को मैंने आदरणीय दादा लालवती जी बता दिए और शिवम गया, बहुत जल्दी बात करता है भैया मेरा, और पहुंचा दादा दादा मैं बहुत परेशान हूं मेरे ऊपर कृपा करो। दादा बोले बता बच्चा क्या परेशानी है तुझे कि दादा मेरे छोरा छोरी नहीं हो रहे। तो दादा ने क्या किया ले तीन फूल उठा के दे दिए। तो शिवम बोला ये तो बहुत कम है दादा कि चल रेपुटेशन डाउन मत कर चार नीचे से उठा ले। अच्छा उठा लिए फूल लेने के बाद ये बोला दादा ये तो बहुत कम है कि कोई बात नहीं इतने से ही काम चला लो कि जा अब कितने फूल हो गए तेरे पास कि सात, जा सात महीने में खुशखबरी आएगी तेरे घर। क्या बात। फूल लेने के बाद शिवम बहुत ही चतुर व्यक्ति साहित्य से जुड़ा हुआ अब ये बोला कि दादा अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अब दादा को गुस्सा आता है और उनका कवित्व रूप जागता है और वो क्या कहते हैं शिवम से, अरे क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है और तेरे प्लाट के ठिकाने नहीं बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। अरे बच्चा पाप के दलदल में खुद धस रहा है और मुझे भी धसा रहा है, तेरा बैंक बैलेंस जीरो, फोकटी एटीएम मशीन में कार्ड धसा रहा है। बढ़िया है बढ़िया। देखिए समय की कुछ सीमा है, अंतिम चार पंक्तियां देता हूं और अंतिम चार पंक्तियों में आपकी अपनी इस मंच की और पूरे इस भारत देश की मैंने सच्चाई कह दी हो तो मुझे पूरे आशीर्वाद से विदा करना। स्वागत कि पै तो रो डीजल के दानों छुए आसमान, किसानों को खेतों की भराई मार डालेगी। कि पै तो रो डीजल के दानों छुए आसमान, किसानों को खेतों की भराई मार डालेगी। और किताबों का बच्चों से वजन दोगुना हुआ जी, लगता है बच्चों को पढ़ाई मार डालेगी। और इन गोरी गोरी गोरियों के चक्कर में ना पड़ो जी, लंबे लंबे बालों की लंबाई मार डालेगी। बढ़िया। और कपड़े भिगोता हूँ मैं, बर्तन भी मांजता हूँ, और कविता ही करूँ तो लुगाई मार डालेगी। बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।